हाय गाइस, मैं हूँ शर्मिष्ठा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के पास जो छोटू नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमेशा अब नोटिफिकेशन मिले मैं जब भी कोई नया यूनिक सा वीडियो अपलोड करूँ। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम में। और आज का ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये सारी चीज़ें जो आप करोगे सब कुछ फ्री होगा, बस प्यार से कर लीजिएगा, थोड़ा सा दुआ दे दीजिएगा मुझे। ऑयली स्किन वालों के लिए कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था बेस्ट मॉइस्चराइजर जो ऑयली स्किन वालों को यूज़ करना चाहिए। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे ड्राई स्किन वाले फ्रेंड्स वो का ये डिमांड था कि मैं उनके लिए भी एक वीडियो बनाऊं, और ये वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में मैं ड्राई, नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए डिस्कस करूंगी जो भी मॉइस्चराइजर या फेस क्रीम चाहिए होगा समर टाइम में। इन क्रीम्स को आप विंटर सीजन में भी यूज कर सकते हो। इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं ड्राई, सेंसिटिव, नॉर्मल स्किन वालों के लिए बात करूंगी, और सेकंड पार्ट में मैं मैच्योर्ड, ड्राई, एजेड स्किन वालों के लिए बात करूंगी। उनकी स्किन ड्राई होती है, उनकी स्किन में एजिंग के साइंस जल्दी दिखाई देते हैं, तो इसी वजह से एक्स्ट्रा केयर करना जरूरी है। स्पेशली अगर आप अपने मिड 20s में पहुंच गए हो तो तभी से एंटी एजिंग क्रीम्स या फेशियल ऑयल्स, सीरम्स, ये सारी चीजें जो है अपने स्किन में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो अगर आपकी स्किन ड्राई है। पहला ड्राई स्किन का मॉइस्चराइजर है निविया सॉफ्ट क्रीम। ये ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल क्रीम है जो ऑल स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है। दूसरा है दी बॉडी शॉप का विटामिन ई इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एक क्रीम है। तीसरा है सेटोफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सेटोफिल का जो क्रीम है ये ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। मैं इसे लास्ट एक साल से यूज कर रही हूँ, मैं तो बोल सकती हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन दोनों है। मेरे लिए ये वाला क्रीम बहुत अच्छे से काम करता है, तो इसका मतलब है ड्राई, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन वाले ये सेटोफिल का मॉइस्चराइजर जरूर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेबमिट का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये भी काफी अच्छा है ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद है सूदनिंग एलो मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है ये ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों को एक कामिंग और सूदिंग इफेक्ट देता है, तो इसकी वजह से सेंसिटिव स्किन वाले ये सूदिंग एलो मॉइस्चराइजिंग क्रीम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। प्लस ड्राई स्किन वालों के लिए ये अच्छा इसलिए है क्योंकि ये आपके स्किन को एक नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा। बहुत सारे कंपनीज का सूदिंग एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम आता है, जैसे कि VLCC का आता है, दी बॉडी शॉप का आता है, मिसफ्री का आता है, बॉडी क्यूपिड का आता है, तो आप एक बार जरूर चेक कर सकते हो इन सारे ब्रांड्स को। नेक्स्ट है बायोटिक का वेट जर्म नरिशिंग क्रीम या फिर बायोटिक का कोकोनट व्हाइटनिंग क्रीम। ये दोनों ही क्रीम बहुत अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए, तो एक बार चेक करना मत भूलिएगा। लॉरियल का हाइड्रा फ्रेश जेल बूस्टिंग क्रीम भी काफी अच्छा होता है ड्राई स्किन वालों के लिए। नेक्स्ट है सुकीन का फेशियल मॉइस्चराइजर पंप। ये भी ड्राई स्किन वालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। स्लीपिंग मास्क में आप इनिसफ्री का कैनोला हनी स्लीपिंग मास्क जरूर यूज कर सकते हो, वो भी ड्राई स्किन के लिए अच्छा है। हनी जो है एंटीबैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है जो ड्राई स्किन वालों को नरिशमेंट देता है। प्लस सेंसिटिव स्किन अगर है आपकी तो हनी में जो एंटीबैक्टीरियल फॉर्मूला है वो आपके स्किन को सूदिंग और कामिंग इफेक्ट भी देगा। फेशियल ऑयल्स में आप बहुत सारे फेशियल ऑयल यूज कर सकते हो। सेंट बोटानिक्स का फेशियल ऑयल आता है, बॉडी शॉप का फेशियल ऑयल आता है, या फिर द ब्यूटीको का फेशियल ऑयल आता है, जो हमारे स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। स्पेशली अगर हमारी स्किन ड्राई है तो हमारे स्किन के लिए तो मैजिक की तरह काम करता है फेशियल ऑयल। अगर आप इतना एक्सपेंसिव फेशियल ऑयल्स की तरफ नहीं जाना चाहते हो, कुछ सस्ता सा फेशियल ऑयल चाहते हो, तो आर्गन ऑयल यूज कर सकते हो 1 से 2 ड्रॉप, या फिर विटामिन ई ऑयल 1 से 2 ड्रॉप आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है, जस्ट कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा 2 ड्रॉप का फेशियल ऑयल लीजिए। कोई भी फेशियल ऑयल, आर्गन ऑयल या फिर विटामिन ई ऑयल या फिर रोज हिप ऑयल भी बहुत अच्छा होता है ड्राई स्किन वालों के लिए, एजेड सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। तो उसे 2 ड्रॉप लेने के बाद अपने मॉइस्चराइजर के ऊपर जस्ट टैप टैप करके पैट करके अप्लाई कर लो। फिर बारी आती है कुछ हाई एंड वाले क्रीम की। हाई एंड फेस क्रीम ड्राई स्किन वालों के लिए जो बेस्ट है और सबसे पहला है क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च क्रीम। इंटेंस डीप नरिशिंग इफेक्ट देता है ड्राई स्किन वालों के लिए, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो अगर आप थोड़ा सा पैसा सेव करके फिर खरीदना चाहते हो तो सर्च क्रीम एक बार जरूर खरीद सकते हो। नेक्स्ट है द फेस शॉप का चिया सीड हाइड्रेटिंग फेस क्रीम। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ये भी ड्राई स्किन वालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इंटेंस हाइड्रेटिंग क्रीम है, तो इसीलिए ड्राई स्किन को जितना हाइड्रेशन चाहिए उतना हाइड्रेशन भी देता है। हाई एंड में एक और ऑप्शन है एस्टेल लॉडर का डे वेयर एडवांस मल्टी प्रोटेक्शन एंटीऑक्सीडेंट क्रीम। ये
काफी अच्छा है, तो इसे भी ट्राई कर सकते हो, बट वही एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है। अभी बात करते हैं ड्राई एजेड स्किन वालों के लिए जो एंटी एजिंग क्रीम है उनके बारे में। तो सबसे पहला जो है सेन बोटानिक का विटामिन सी विटामिन ई एंड हाइड्रोलिक एसिड वाला ब्राइटनिंग क्रीम, ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है एजिंग के साइन से, प्लस हमारे स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, जो ब्लेमिशेस है उन सबको हटाता है, पिगमेंटेशन को हटाता है, तो इसीलिए ये काफी ज्यादा अच्छा है। ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट इट्स ओके, जो ये काम करता है ना उसके मुकाबले इसका प्राइस जो है ठीक ही है। दूसरा है फॉरेस्ट एसेंशियल का इटर्नल यूथ क्रीम, ये है डेट्स एंड लीची क्रीम, तो ये काफी अच्छा है ड्राई स्किन के लिए, एजेड स्किन के लिए, तो ड्राई स्किन वालों इस वाले क्रीम को आप जरूर यूज कर सकते हो। फॉरेस्ट एसेंशियल का है तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी देता है, तो एक बार यूज करके जरूर मुझको कमेंट में बताना कैसा लगा। नेक्स्ट वन इज द सुकेन रोज हिप डे क्रीम। सो रोज हिप जो होता है वो एंटी एजिंग के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है, रोज हिप सीरम हो, फेशियल ऑयल हो, या फिर रोज हिप क्रीम क्यों ना हो, रोज हिप ऑयल किसी भी क्रीम के साथ मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो, एंड यू विल सी द मैजिक कि 1 से 2 महीने के अंदर आपका जो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स है वो थोड़ा थोड़ा सा रिड्यूस होगा, ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ये कोई लेजर ट्रीटमेंट नहीं है, कोई बोटॉक्स नहीं है, क्रीम आप लगा रहे हो उसके साथ जस्ट रोजहिप ऑयल मिक्स करके। ये सुकीन का जो रोजहिप डे क्रीम है ये भी काफी अच्छा है। नेक्स्ट है इनातुर का एज डिफाइनिंग जैस्मिन हाइड्रेटिंग लोशन। जैसे नाम सुन के हमको पता चलता है कि ये एज डिफाइनिंग है, यानी आप एंटी एजिंग क्रीम के बारे में बात कर रहे हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, इनिसफ्री का बीजा ट्रबल लोशन जरूर यूज कर सकते हो, आपके इरिटेटेड स्किन को ये सूदिंग और कामिंग इफेक्ट देता है, प्लस अगर आपकी स्किन में रैशेस, पिंपल और कोई भी इरिटेशन हो चुका है ऑलरेडी, उससे भी आपके स्किन को रिलीफ देता है, और सेंसिटिव स्किन वालों के स्किन में अगर कुछ सूट कर जाता है ना तो वो एक जादू वाला काम कर देता है, तो एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो इसको। इसका प्राइस 900 या 1000 रुपीज के करीब है। मुझे आप फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम में, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आया है और इस टाइप के और भी वीडियोस देखना चाहते हो, यानी एपिसोड 3 भी देखना चाहते हो मॉइस्चराइजर के ऊपर, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूँगी और भी जितने सारे मॉइस्चराइजर है अच्छे वाले जो डिफरेंट डिफरेंट स्किन टाइप के स्किन प्रॉब्लम्स के लिए है वो मैं कवर करूँ। लाइक शेयर ज़रूर करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के पास छोटू बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ब्लेस।